अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने चाहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टी साथ चले। जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चले। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता भी चाहता है कि हम साथ रहें। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। ये जो हमने चाहा था, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चलें, एक साथ चलें, क्योंकि कश्मीरी को जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चलें। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा, उनके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता है हम इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इख्वान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल आपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं। मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है या पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। शुक्रिया। अमरोहा घर के बाहर बैठी थी दो महिलाएं। एक महिला के गले से बाइक सवार लुटेरों ने दिनदहाड़े चेन छीनी। लुटेरे चेन लूटते सीसीटीवी कैमरे में कैद। पता पूछने के बहाने लुटेरे पहुंचे महिला के पास। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का मामला। अमरोहा, 12वीं में काजल सिंह को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला। काजल सिंह ने 97.60% हासिल किए। रामशरण दास इंटर कॉलेज सलेमपुर की छात्रा है काजल। गांव बकाबाद की रहने वाली है छात्रा काजल। बेटा का? मेरा नाम काजल सिंह है। अच्छा, आज आप यूपी में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने पेरेंट्स को, खासकर मेरे पापा जी को बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा मेरी पढ़ाई के लिए इतने ज्यादा सपोर्ट करते थे। हमेशा कहते थे पढ़ लो, अच्छा रहेगा इस बार, क्योंकि मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट की 5 पोजीशन पाई थी, तो इसलिए थोड़ी कमी रह गई थी पापा के हिसाब से, तो उसको पूरी करने के लिए मैंने 12th में पूरी मेहनत करी और मेरे 12th में 488 अंक आए 500 में से। और मेरा गाँव जो है बछरायू बकाबाद मोहल्ला है और मैं रामशरण दास में पढ़ती हूँ। आज जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें कैसा मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप जो है अब 12th में जब आए हैं, सबसे पहले जो है अपने आपको मेहनत करनी है, फोन ओन में ये सब नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा हो गया। आप अपना टाइम बना के, जिसे टाइम टेबल बना तो लेते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते, तो उसको ऐसे शॉर्टकट में बनाए जिससे कि आप फॉलो भी कर लें और आपको जब आप टाइम टेबल को कंप्लीट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, उसको नेक्स्ट में इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि टाइम टेबल बहुत लंबा बना लिया, कि सेकेंड का बना लिया और फिर उसको नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मेरा तो कहना यही है कि बस अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपके टीचर्स का नाम होगा। परीक्षा पास आने के बाद जो छात्र छात्राएं जो होते हैं वो दबाव महसूस करते हैं, वो तो हर किसी को होता ही है, मतलब डर अंदर से रहता ही है, चाहे हम कितनी भी कर ले, तो एग्जाम के टाइम ऐसे रहता है जैसे कि मतलब पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, तो आप पहले से उसके प्रिपेयर करने के लिए PY2 को देखें, जैसे कि अभी हमने 3 साल के भी देखेंगे तो उसमें सभी मतलब दिखाया रहता है कि कैसे कैसे चीज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है मतलब सही तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे और फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा उसके लिए, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको फिर एग्जाम से डर ही लगेगा। सीएम योगी विपक्ष पर हुए हमलावर, बोले कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाते थे, कांग्रेसी महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, कांग्रेस को वोट देकर अपने इतिहास को कलंकित नहीं करना है। करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था, और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे,
ये लोग तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देने का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे, जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? गुरुग्राम में बड़ा हादसा, शमशान घाट के गेट की दीवार गिरी, बच्ची खुशबू सहित चार लोगों पप्पू कृष्ण मनोज की मौत हुई, दीवार के किनारे लकड़ियों का ढेर लगा था। मथुरा, माँ हेमा मालिनी के लिए प्रचार करने पहुंची बेटियां। ईशा देओल और अहाना देओल मथुरा पहुंची। अभिनेत्री ईशा देओल ने कहा, मथुरा में विकास हुआ, विरासत और पर्यटन को बनाए रखा गया। ईशा, यहाँ के लोग चाहते हैं कि माँ जीते और मथुरा में रहें। हम मथुरा के युवाओं से मिल रहे हैं। ईशा देओल, कुशीनगर, IAS अंकिता जैन ने किया क्रॉप कटिंग। गेहूं की फसल की औसत उत्पाद जानने के लिए किया क्रॉप कटिंग। 10 मीटर के त्रिभुज कटिंग में 16.3 किलोग्राम का मिला गेहूं का उत्पादन। अनिरुद्ध गांव के लीलावती देवी के खेत में चलाया हसिया। 2021 बैच की IAS है अंकिता जैन, वर्तमान में जॉइंट मजिस्ट्रेट कस्या के पद पर है तैनात। ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में निर्माणाधीन 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर जमींदोज हो गई। गनीमत रही, कोई चपेट में नहीं आया। बिल्डिंग के एक और झुकने पर पुलिस ने आसपास के मकानों को पहले ही खाली करा दिया। मुरादाबाद से दुखद सूचना, लोकसभा चुनाव में BJP उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन हुआ। कल उन्होंने अपना वोट भी डाला था, हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ, लोको पायलट की पत्नी अनीता को कुछ पुरुष व महिलाओं द्वारा घर में घुसकर जान से मारने का प्रयास किया गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस आकर महिला को इलाज हेतु अस्पताल ले गई। पीड़ित महिला के पति ऑफिस वर्क के काम पर गए हुए थे, तभी किसी निर्माण कार्य को लेकर पड़ोसियों ने अनिता को घर से बाहर घसीटते हुए बीच रास्ते में पीटा। लखनऊ के मेहरी खेड़ा निवासी अनिता ने थाना मानकनगा में 8 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने 8 लोगों पर NCR के तहत प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस पर पैसे लेकर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। हालांकि आरोप ज्यादातर सही भी होते हैं, पुलिस का ये रवैया फल फूल रहा है। घटना 15 अप्रैल 2024 की है। हमलावर अब तक आजाद घूम रहे हैं और पीड़ित महिला को अभी भी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं, वो कौन सा शासन सत्ता है जिसमें पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुआ है, रिश्वतखोर हुआ है,